प्रणाम। हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अधूरा आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भाई चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप कैसे हैं? आप जरूर मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज हम रिव्यू करने वाले हैं उजड़ा चमन पिक्चर के बारे में, इस पिक्चर के ट्रेलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उजड़ा चमन। जैसे आपको ऐसा नाम सुनते ऐसा लगेगा कि आपने किसी का मजाक उड़ाया, और अपने कभी अगर आप बचपन में अपने सुने होंगे या आपस में लोग बातें करते हुए सुने होंगे उजड़ा चमन कहते हुए। दरअसल ऐसा अल्फाज जो है लोगों को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उजड़ा चमन, और ऐसे लोगों के लिए जो बेचारे लोगों के सर में बाल नहीं होते हैं। अगर हमें साफ सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि गंजे लोग, गंजे लोग जिसमें ब्लेड इंग्लिश में ब्लेडेड हेड कहते हैं, और बिना बाल का जो नेचुरली उनको उस तरह होता है, इसमें हम या आप कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसे लोगों का लोग मजाक उड़ाया जाता है। पर एक एक हकीकत बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग वाकई नेचुरली ऐसे होते हैं जिनके सर में बाल नहीं होता है पर उनके में दिमाग ज्यादा होता है, बहुत स्मार्ट होते हैं, लोग उनसे जैसा स्मार्ट और कोई नहीं हो सकता, इतना मैं अच्छी तरह कह सकता हूँ। उनके में ज्यादा दिमाग होता है और वाकई लोग स्मार्ट रहते हैं। ऐसा ही हमारे इस पिक्चर में जो है सनी सिंह जो हीरो के रोल कर रहे हैं, वो इस पिक्चर में गंजेपन का रोल कर रहे हैं, एक हीरो का रोल कर रहे हैं। ऑलरेडी ऐसा एक रोल, एक छोटा सा टीजर हमें देखने को मिला है हमारे आयुष्मान खुराना के टीजर में, वो भी इसी तरह एक गंजेपन का ही रोल कर रहे हैं। और इसी तरह इस पिक्चर में भी सनी सिंह जो हीरो के रोल कर रहे हैं वो भी इस तरह गंजेपन का ही रोल कर रहे हैं। जैसे शुरुआत में क्या होता है, ट्रेलर में दिखाया जाता है कि कॉलेज के डीन के पास, कॉलेज के जो प्रिंसिपल के पास एक कार्टून कार्टून ड्रॉ किया हुआ एक कार्टूनिस्ट का एक फोटो होता है, जिसे देख के कहते हैं ये तो तुम ही हो ना। इसे देख के उसे उनसे पूछा जाता है और स्टूडेंट को वार्न किया जाता है, तुमसे तुम किसी इससे मजाक नहीं उड़ा सकते हो, तुमसे कितने बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे करके उन्हें और उनकी उड़ाई जाती है। फिर वो कहते हैं नहीं मैं तो सिर्फ 30 साल का हूँ। फिर वो जाते हैं लड़की देखने के लिए, उन्हें लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके गंजेपन के कारण, और कहीं काफी कुछ मशक्कत करते हैं, उन्हें लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर इतना ही नहीं, उन्हें कहीं भी जाते हैं तो उनकी मजाक उड़ाई जाती है, और काफी कोशिश करते हैं कि उनके कॉलेज के किसी प्रोफेसर के साथ उनकी बन जाए और उनसे वो शादी कर लें, और काफी कुछ मशक्कत करते हैं, होता नहीं है। फिर इतना ही नहीं, और उन्हें एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो उनके दिल को खुश कर लेती है, उनका नाम है करिश्मा शर्मा। करिश्मा शर्मा जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस की तरह इसमें उनमें काम करते हैं, और उन्हें देख के उनका मन बहल जाता है। फिर उनके पिताजी कहते हैं आपके मन, आपके शरीर के अंदर का हार्मोन्स जाग चुका है, उस आपको उसे काबू करना होता है और उसे मनाना पड़ता है, फिर इस तरह उसे कहते हैं। फिर ये बात उनको मन में लगता है। उस वक्त क्या होता है, उनके घर में सब बैठ के खाते रहते हैं, तो उनके घर की नौकरानी जो है कपड़े थोड़े ढीले पहने रहती है, उसे देख के उनका मन आ जाता है। तो इनडायरेक्टली उनकी माँ कहती है कि यहाँ पे 3 मर्द बैठ के खा रहे, कपड़े ढंग के पहना करो, इस तरह उन्हें कहा जाता है। फिर उनके पिताजी उनकी उड़ाते हैं, फिर कहते हैं कि तू पूरी जिंदगी वर्जिनी मर जाएगा। फिर उनकी माँ पूछती है क्या कहा, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं रहता उसका मतलब क्या होता है। फिर उनकी जिंदगी में एक एक और लड़की आती है जिनका नाम है मानवी गागरो। मानवी गागरो जो हीरो ने इस पिक्चर के, इसमें थोड़ी मोटी सी दिखाए गए हैं, और उन्हें एक फोन करती है, उनको पूछती है आप कहाँ पे खड़े हैं, सामने तो मेरे एक गंजा खड़ा है। तो फिर वो बड़े मन टूट जाता है, फिर वो फोन नीचे रखते मुड़ के देखते हैं। फिर दोनों के बीच धीरे धीरे संबंध बढ़ते हैं, और वो इस पिक्चर की हीरोइन है। बाकी इस पिक्चर में के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि गंजेपन लोगों के किस तरह उनका उड़ाया जाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके घर में क्या करते हैं, हीरो के घर में उनकी जन्म कुंडली देखी जाती है, जिसमें एक ज्योतिष जी उन्हें कहते हैं कि 31 ईयर्स के जब हो जाएंगे उससे पहले इनकी शादी करानी चाहिए, करा देनी चाहिए, वरना है तो उनकी पूरी जिंदगी कुंवारे रह जाएंगे। जो इस तरह कहते हैं, जो सौरभ शुक्ला जो है काफी अच्छे फेमस एक्टर, जो सपोर्टिंग एक्टर है, वो इसमें एक ज्योतिषी के रोल करते हैं। वाकई ये ट्रेलर तो काफी अच्छा है, लोगों के लिए कॉमेडी रहेगा और अच्छा, काफी अच्छा एंटरटेनमेंट रहेगा। पर जरा आप सोच के देखिए, जो वाकई नेचुरली गंजे होते हैं, जो उनका जीन्स एंड हॉर्मोन्स में ऐसा है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, पर वो भी हमारी तरह के इंसान ही तो है। वाकई आपको मेरा इस वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए सत्या भाई रिव्यू, और सिर्फ इतना ही नहीं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।